कहाँ चले गए तोले? क्या छुपा रहा है ले? अरे मेरे बाप क्या माला है ले? एकदम नीले नीले आके उसके एकदम ऐसी चलती ना मेरे गुर्दे में ना था खट खट आवाज। अब ये तो वो खूबसूरत है तो तेको क्यों मिर्गी आ रही? इतनी बुरी बुरी सीर छोड़ रहा, हाथ पांव छोड़ रहा। चैनिया मेरे तरफ देख के हंस रही थी, बाकी मैं क्या करूं? अल्लाह मैंने मुझे इतना खूबसूरत बनाया, बाकी मैं क्या करूं? अरे मेरे बाप मैं क्या बताऊं, इधर ही आ रही वो नीले आके, तो नीले आके। अरे मेरे बाप, मेरे बाप किने फतवा फेंका क्या था ऊपर से? यार चल बुला के ला उसको जाके, उन्होंने तो आ जाओ ना, आ जाओ ना मेरे जिंदगी के मालिक, मेरे दिल पे हाथ रख देना, तेरे आने की खुशी में मेरा दम ना निकल जाए। इसको देख के तड़फड़ रहा था मुर्गी के जैसा। क्या रे, क्या नाम है तुम्हारा? माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित। ए बाबा डॉक्टर, इसको हटा तो मेरे को खट्टी टकार आ रही इसका मुंह देख के। ये दवा खाने में छिछोता पना करता क्या रे? साइड में खड़े हो, क्या नाम बताया तुमने? माधुरी दीक्षित। अरे तुम तो अधूरे भिस्कुट है, काय को बिचारी को बदनाम कर दे तुम। अगर उसने तुमको देख ली ना, अरे मेरे बाप रे बाप, ऐसा लेंगी जहर की बुकनियां फक से फाकेंगी और वहीं पे टंगड़े रगड़ रगड़ के मर जाएंगी। मालूम है क्या, माधुरी दीक्षित बोले वाह दे वाह, तुमको बीमारी क्या है उत्ते बात करो तुम, मत करो मेरे सामने, तुमको समझा देगा इमलिया खा के आएगा तुम। ए डॉक्टर ज्यादा बात मत कर मेरे साथ, इंसान जब बीमार रहता ना जब ही दवा खाने में आता। मेरी बीमारी क्या है वो छोड़ दिया, दूसरे बात कर रहा पटार पटार। तो ज्यादा फजीहत कम करो, आए तुमको समझा देता मैं। हाँ नहीं तो क्या, एक तो दवा खाने में आए हो ढला दे इधर उधर कर दे, आए मेरे कंप्यूटर को भी भयका दे तुम। अगर अब तुमने अगर जरा सा भी होठ इधर उधर करे ना तो तुम्हारे दोनों होठ में है ना कड़ी कोंडी फंसा दूंगा मैं। अरे जान दो, गुस्सा छोड़ो, तुमको क्या हुआ मुझे बताओ। देख रहे डॉक्टर इसका चिचोरा पना, अरे कैप्सूल को दूर सरका, मैं तो कच्चा ही निकल जाऊंगी बिगर पानी के। देखा देखा देखा, एड़े ज्यादा लाइन से खड़े रहे, अगर बेटा तेको इन्हें गट्ट करके निकला ना तो कई भी उसके पेट में कोने कापड़े में बैठ के बेटा जिंदगी भर रोएगा तू, मालूम है क्या? ओह तुम ना एकदम ज्यादा छिछोरा पना कम करो, दवा खाने में आए है तुम्हें, रब जगह में नहीं आए ले ऐसे बात करते तुम। तुमको बीमारी क्या है तुमको बताओ बस। मेरे को ना रोज सपने आते और मेरे सपने में ना सलमान खान भी आता और कैसे कहता मालूम है क्या, चल शिकार पे जाएंगे। और एक बार तो शाहरुख खान भी मेरे सपने में आया था, शाहरुख खान, और आया और मेरे को बोलने लगा कैसी है किरण। मैं तो उसको देख के डर गई बाबा। और हाँ डॉक्टर साहब, बॉलीवुड है ना, पूरे बॉलीवुड एक्टर मेरे सपने में, और बॉलीवुड तो बॉलीवुड, मॉलीवुड है ना मॉलीवुड, उसका एक आसिफ अली बेला नहीं है क्या, वो भी मेरे सपने में आता। और कौन आता है? ओए माँ, यार तूने इसकी पीठ में भुक्का मारा क्या? ये पहलवान भी आया था मेरे सपने में। ये पहलवान भी आया था? हाँ, देख दे क्या उसको कितना भयान है वो। मालूम अगर तुम्हारे सीध में ऐसा खली मार दिया ना तो इतने गड़ जाएंगे जमीन में तुम, एड़े एड़े बात करते वहां पे दवा खाने में आके। हाँ ये तो क्या, शाहरुख खान आया था, सलमान खान आया था, ये आया था, वो आया था, वाह दे वाह, अब कल तो तुम्हारे सपने में ये भी आएगा, फिर मेरा कंप्यूटर भी आएगा। ये देखो ये देखो ये देखो कैसा खुश होता वो। हाँ ज्यादा खुश मत होना, हंस मत ना ज्यादा, थक जाएगा ना। ये क्या आएगा मेरे सपने में, जिस दिन मेरे सपने में आएगा ना तो मैं जहर खा के मर जाऊंगी। हाँ ये तो छोड़,
पर तू जरूर आएगा डॉक्टर मेरे सपने में। ये मसाले के पान में काले सूखे, हाँ मेरे को डॉक्टर से छिछोरा बनने पे मजबूर मत करवाए, बोल देता तुमको। हाँ और ये आड़े तिरछे सपने देखना ज्यादा बंद करो। क्या खा के सोते तुम रात को? वड़े पाव खा के सोते क्या? हाँ तुमको कैसे मालूम कि वड़े पाव मेरे पसंद की चीज है? चलो ना वड़े पाव खाने। नहीं रे डॉक्टर, मेरा मामला बहुत सीरियस है, अगर मुझे कुछ हो गया ना तो मेरे बच्चों का क्या होगा? हाँ? बच्चों का? तुम्हारी शादी हो गई? एक बात बताओ, तुम्हारी बारात आई थी क्या गई थी? ए डॉक्टर तू कुछ ज्यादा ही बोल रहा रे, ये मेरा शादी के बाद का केस है। तुमको खाब आते ना? हाँ? साधु खान सलमान खान आ रहे ना तुम्हारे खाब में? इसका एक ही इलाज है मालूम है क्या? मैं तुमको है ना इसका फोटो दे देता, रात को सोते टाइम है ना इसका फोटो देख लेना। हाँ उसके बाद तुमको खाब नहीं आएंगे, बस इसका एक ही इलाज बचे ले बस मेरे पास। और मेहरबानी करके तुम जाओ अब यहाँ से, आए क्योंकि तुमसे पूरी दुनिया हट गई, तुम्हें क्या लग रहा है? जाओ। काय का डॉक्टर है रे तू? गंज नाम सुनी थी मैंने तेरा, जैना डॉक्टर, जैना डॉक्टर, फालतू डॉक्टर है तू, जा रही मैं। अरे सुनो जी, हटे कैप्सूल। जी बैठो जी। अरे क्या जैना, उसको भगा दिया, अच्छा वाला मूड बनेल था ना, तो रख लेता तो कम भगा लेती थी वो, सारा मूड खराब हो गया है। क्या तारीफ करता था, बोले ऐसे आख्यान ऐसा कलर, इतना बुद्धिगत का था वो, क्या सला पूछने की बात नहीं। अगर वो कुएं में झांक लेना तो बेटा सर से कुएं का पानी सूख जाता। मुकदम मेरे समझ में आया, नर्स रखना पड़ेंगी एक, यहाँ पे लेडीज लाना पड़ेंगी सला, जब काम बनेगा ये ना तो ऐसी मरीज आएंगे और तू अलग खुश होया करेगा। क्या करना सला, नर्स लाता है खाद। नर्स का नाम ही मत ले तू, उसको लगा लेना, नहीं तो समझ ले काम भी नहीं होगा। मैं यहाँ से काम तेरा कब छूटेगा मालूम है क्या? जब तू दुनिया छोड़ेगा, समझा था ना? अरे एड़े टीवी पे नहीं देखता क्या था तू? हाँ एक ऐसी खूबसूरत औरत आती, सिर्फ इतना ही कहती हूँ। मैंने ली तुम मिलो। हाय कैसे पैसे कमाती बेटा, वो देखा नहीं क्या तूने? हाँ अरे तू देख, तू बेटा अगर रोड के किनारे खड़े रह के दिन भर भी हाय हाय करेगा ना तो कोई एक रुपया तो छोड़, कोई देखो फिटकात भी नहीं देगा, समझ आता क्या? चल काम कर अपना अपना, एक काम कर अखबार में जा और एडवर्टाइज दे कि डॉक्टर जैना दादा के वहां पे एक खूबसूरत नर्स की सख्त जरूरत है, जा।